कुमारी तक दिल से दिल मिला के जोड़ने की अगर कोई सियासत है, कोई जमात है, तो वो सिर्फ कांग्रेस है। इसी बिना पर पिछले 74-75 साल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का गठजोड़ बंधन रहा है हमेशा से। राज्यसभा हो या लोकसभा में हो या रियासती सतह पर हो, हमेशा से मुस्तमिल काम किया है। और हमने भारत जोड़ो यात्रा में हमने राहुल गांधी साहब को हमने एक मेमोरेंडम पेश किया था जो यहाँ के अखिलतों की तरक्की के लिए आप राह अमल पेश किया जाए, सब प्लान तैयार किया जाए। उसी को अमल लाते हुए हम शुक्र अदा करते हैं कि आपने मुस्लिम आपने डिक्लेरेशन में जो बात कही है कि मुस्लिम लीग का जो हमने मेमोरेंडम के जरिए जो निशानदेही की थी, आपने यकीनन अखिलतों की तरक्की के लिए 4,000 करोड़ रुपए मख्स किया है। अब्दुल कलाम तोहफे तालीम के तहत टेक्निकल तालीम में 5 लाख रुपयों का ऐलान किया है और डिग्री तालीम के लिए 25,000 का ऐलान किया है और 15,000 इंटरमीडिएट के लिए किया है। यकीनन 100 करोड़ रुपए बेरोजगार नौजवानों के लिए किया है। इमामों के आयमा मसाजिद के और मौजूदीन के और खिदमत गुजारों का जो आपको महाना शारा दिया जा रहा है उसमें भी बढ़ाए कर दिया जा रहा है। और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1988 को अमल लाते हुए इन्होंने वादा किया है, कांग्रेस ने वादा किया है कि मुस्तकिल तौर पर एक बॉडी तैयार की जाएगी और सालाना रिपोर्ट पेश करने का भी वादा किया है। और इसके अलावा अखिलतों के लिए सब प्लान खासकर मुसलमानों के लिए सब प्लान का भी वादा किया है। अब जरूरी इस बात का है कि हमें जो हमेशा से धोखा देते आ रहे हैं, हमेशा से जो है हमें रिजर्वेशन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। हम मानते हैं कि उतना परसेंट मिलो या ना मिलो, आपको ये तो करना चाहिए था कि हमारी तरक्की के लिए कम से कम सब प्लान तो तैयार किया जाता था। अफसोस इस बात का है कि आप सिर्फ मसाजिद को, कब्रिस्तान को और दीगर इंस्टीट्यूशन को ही आपने देने के लिए समझा कि वो हमारी तरक्की है। हमारी मुसलमानों की अखिलतों की बेरोजगारी के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, हमारी तालीमत के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, कोई स्कॉलरशिप का कोई नजम मुस्तकिल नहीं किया गया। आप ये तमाम चीजों को इलेक्शन के बाद हम कांग्रेस से जो मुतालिबा किया था उन्होंने माना है, हमारे जो सिफारिश की गई थी वो भी माना है और मुस्लिम डिक्लेरेशन में मुस्लिम लीग की मेमोरेंडम के यादाश के ऊपर रोबा अमल लाया है। इसीलिए हम आप तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप बेखौफ होकर निडर होकर आप वोट कास्ट कीजिए। एक दौर गुलामी वो भी था, एक दौर आजादी ये भी है। उस दौर में जीना मुश्किल था, इस दौर में कहना मुश्किल के हालात है, इसको बदल के रख दिए। मैं आप फिर लोगों से उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं कि आप कांग्रेस को वोट देकर रियासत सतह पर आप अपनी तरक्की का आप जामिन बन जाइए।